एम्पलीफायर असेंबल करने वाला हूँ। उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि आप जितने भी मेरे यूट्यूबर भाई मुझसे जुड़े हुए हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, उनके लिए गुड न्यूज़ है। जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं उनमें से 10 ऐसे यूट्यूबर को छांट कर मैं ये पीसीबी दूंगा फ्री में, जो मेरी वीडियो को देखता हो, लाइक करता हो, सब्सक्राइब करता हो। मार्च के बाद मैं उन सभी यूट्यूबर को ये पीसीबी भेज दूंगा कुरियर के द्वारा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ में बेल आइकन का घंटा दबा देना, जिससे मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलो फिर आगे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम R1 पे ये 1K का रेजिस्टेंस लगाएंगे। R3 पे भी 1K का रेजिस्टेंस लगेगा। मेरे वीडियो को कंप्लीट देखना। R5 कंपोनेंट्स ध्यान से लगाना। और R7 अब हम 22 के लगाएंगे। R2 और R6 एक पीस 15K R4 पे एक पीस 220 ओम R8 पे दो पीस 3K3 R9 पे और R10 पे हमारे पास क्वार्टर वाट में सारे, यहाँ पे हाफ वाट में लगना था लेकिन हम इसी से ही काम चलाएंगे। दो पीस 100 ओम ये हमारे पास हाफ वाट में है R11 पे और R12 पे। एक पीस 10 ओम R15 पे एक ये सिंगल चैनल का पोटेंशियोमीटर है, यहाँ पे लगेगा RV1। अब हम कंपेस्टर लगाएंगे। इसमें जो ये ब्लैक वाला है ये माइनस का है और इस तरफ का ये प्लस का है, इनको ध्यान से लगाना है। इधर जो ये सफ़ेद वाला है ये माइनस का, ये वाला प्लस का, C1 में लगेगा। इसे साइड हम ऐसे थोड़ा सा मोड़ देंगे तो ये बाहर नहीं निकले।
फीस 20 से 547, एक पीस हो गया, एक पीस 47 युवा 63 वोल्ट में है, C4 एक पीस 25 वोल्ट में है, 220 युवा C2 में, इसको भी मैं मोड़ देता हूँ, सोल्डरिंग करने में आसानी होगी। तो फीस BT 140, एक यहाँ पे लगेगा, एक पीस BT 139, दो पीस 63 वोल्ट में, 220 UF, ये थोड़े बड़े हैं, इसमें दो तीन कंपोनेंट्स रह गए हैं, वो मैं बाद में लगाऊंगा, पहले मैं इतने को सोल्डरिंग कर लेता हूँ और कटिंग कर लेता हूँ साथ में। अब हम C6 लगाएंगे, 104J, ये रहा हमारे पास, सो 100 वोल्ट में है ये, C3 पर, C5 पर 101 PF, C7 पर 221 PF, अभी दो पीस 0.33 ओम, ये 5 वाट में है, दो पीस लगेंगे, यहाँ पर एक हमने यहाँ पे जम्पर लगाया है और यहाँ पे हमें इनपुट देनी है जो हम स्पीकर के लिए देंगे, यहाँ पे प्लस वोल्टेज देनी है, यहाँ पे ग्राउंड देनी है ये पीले वाला, और वी माइनस है ये, यहाँ पे हमें माइनस वोल्टेज देनी है, और ये दो है, ये ग्राउंड का स्पीकर का वायर है और ये प्लस का वायर है, और यहाँ पे हमें 280 5200 और 280 1943 लगाना है, उसके बाद ये हमारा जो बोर्ड है ये तैयार है बिल्कुल। हम इसकी वॉल्यूम टेस्ट करेंगे बाद में, ये भी मतलब लगा के, मैंने 100 वाट एम्पलीफायर के सारे कनेक्शन कर लिए हैं, मैंने अभी हीट सिंक नहीं लगाई है क्योंकि मैं आपको केवल वॉल्यूम टेस्ट करके बता रहा हूँ। आप ऐसा एम्पलीफायर बनाना चाहते हैं तो हीट सिंक ज़रूर लगा लेना। आप देख रहे हैं मैंने प्लस और माइनस के कनेक्शन कर लिए हैं यहाँ पर, और मैं आपको वॉल्यूम टेस्ट करके दिखा रहा हूँ। साउंड बहुत ही अच्छा आ रहा है एम्पलीफायर का।